कुदरत ने आदमी को क्या क्या दान दिया है, ये जमी चांद तारे आसमान दिया है। कुदरत ने आदमी को क्या क्या दान दिया है, ये जमी चांद तारे आसमान दिया है, पर कुदरत से बड़ा दानी मेरा भीम है किरण, क्योंकि मेरे भीम ने बहुजनों को जीवन दान दिया है, जीवन दान दिया है। इधर भी फोकस लगा रखो भाई जरा, तो मजा आता है जरा, क्योंकि मेरा काम अंधेरे वाला नहीं उजाले वाला काम है। शुक्रिया भाई। लेकिन आज मैं पुलिस कर्मचारी अधिकारियों की ओर से संदेश पहुंचा रहा हूं, मिले जाओ। ओहो भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, बेमान लोगों का ईमान ताजा हो जाए। भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, जो जो शिक्षण घेल तो वाघा सारखा गुरगुर केल्याशिवाय राहणार नाही। आम्ही शिक्षण घेतलं वाघ झालो, लेकिन कुछ शेर सर्कस में काम कर रहे हैं। क्या बात है, तालियां नहीं बजा रहे भाई? भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, जातिवाद से लड़ना सीखो। नागपुर में बैठ के मजा आएगा ही नहीं। भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, जातिवाद से लड़ना सीखो। अरे क्यों करते हो सलामी, अरे छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी। वाह वाह, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी। वाह, ऐसा फोकस रहने दो। बहुत समय कम है। हाँ, छोड़ दो गुलामी। हाँ, क्यों छोड़ो? अरे आज एहसास दिलाऊं कि तुम में से बाप के बेटे हो। कैसे बाप के बेटे हो? तुम में से बाप के बेटे हो, जो खुद ही एक अंगारा था, जो खुद ही एक अंगारा था, जो खुद ही एक अंगारा था। खतरों से लड़कर भीम ने, खतरों से लड़कर भीम ने हम लोगों को संवारा था, हम लोगों को संवारा था, लोगों को संवारा था। बाप हो जैसा वैसे हो बेटे, मने बाप जैसा बेटा न मां जैसी बेटी।
बाप हो जैसा वैसे हो बेटे, घर में पराए तुम क्यों बैठे। अरे तुम्हारे बाप का बहुत बड़ा घर है। बाप हो जैसा वैसे हो बेटे, घर में पराए तुम क्यों बैठे। अरे क्यों बाप की बदनामी, अरे छोड़ ना गुलामी यारो, भाई। आज हमारे समाज के कुछ लोगों का हाल बता रहा हूं। ये बेईमान कौम से, कमले जी बैठी, बड़ी अछूती बात पेश कर रहा हूं भाई वागमरे साहब, के बेईमान कौम से जो खुलेआम हो गए सफर में, सियासत के वो नाकाम हो गए। बेईमान कौम से जो खुलेआम हो गए और सफर में सियासत के नाकाम हो गए, लालच में कुर्सियों के जो नेता बिक गए, अरे वो तो मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम हो गए, वो तो मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम हो गए। इसलिए मेरी अपील है, हाँ भाई तुम कैसे बाप के बेटे हो, तुम ऐसे बाप के बेटे हो, तुम ऐसे बाप के बेटे हो। अरे जो जग में कभी ना हारा है, जो जग में कभी ना हारा है, ये अलग बात है कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ लोगों ने तुम्हारे बाप को दो दो बार हराया था, इनको एहसास भी तो दिलाना चाहिए। तुम ऐसे बाप के बेटे हो जो जग में कभी ना हारा, शेर का जीना था भीम का, शेर का जीना था भीम का, लाचार जीना हमारा है, लाचार जीना हमारा है। ऐसे जीने से मर जाओगे, ऐसे जीने से मर जाओगे और फिर दुश्मन के डर जाओगे। अरे बंद करो ये हरामी, क्योंकि गुलाम इंसान नहीं जानवर होते, और जानवरों की अपनी एक कीमत होती है। किसी बैल को बाजार में लेके जाइए भाई, तो 20,000, 50,000, 1,00,000 में एक बकरी 5,000 से कम नहीं बिक्री। गावरान मुर्गी 300 रुपए में बिक्री, अभी रोज पेपर में भाव आ रहा है 295। 10 ग्राम का मुंडा होता है, 2 ग्राम का भेजा होता है, 300 में बिक रही है। और हमारे 80-80 किलो के भुट्टे, 80-80 किलो के बैल, ये 50 रुपए में बिक रहे हैं। हाँ क्या बात है भाई, इनका मुंडा होता है 10 किलो का, भेजा होता है 2 किलो का,
न बिकने वाला समाज बनाना है भाइयों, तभी तो तुम कामयाब बन जाओगे। अरे छोड़ दो गुलामी या हो, छोड़।